Sir, welcome to the show and a very, 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 very happy Diwali, sir. Thank you, sir. Yes, sir. आज आपने यहाँ आकर करोड़ों लोगों की दिवाली को स्पेशल बना दिया, स्पेशली मेरी. So wish you a very, very happy Diwali. Thank you very much, man. आपने भी मेरी दिवाली को बहुत बहुत स्पेशल बनाया. सर मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ सर, मैं आपको कैसे बताऊँ. और ये सब मैं दिल से बोल रहा हूँ सर, ये मैं स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहा हूँ सर. मैं कोई ये पढ़ा वहाँ पर है. यस सर. सर आपकी जैसी बॉडी कैसे बनाऊँ सर, मेरा मतलब सपना है कि आपकी जैसी बॉडी चाहिए मुझे सर. तेरी बॉडी सिर्फ सपने में ही बनेगी. ये उनकी लाइन नहीं थी? नहीं, मेरी लाइन नहीं है. यस सर. सर मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ सर और इतना फॉलो करता हूँ आपको सर कि आपकी जब मूवी आई थी मैंने प्यार किया, उसमें आपने जब डायलॉग मारा था कि लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते सर, तो मैंने सेम डायलॉग चिपकाया था अपने दोस्त पे, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी सर. जी. आपने जब डायलॉग मारा था तब तो सर वो पढ़नी थी, जब मैंने मारा तो मेरे को चार चाटे पड़े सर उस लड़की से सर. इसमें इसका कोई फॉल्ट नहीं, अगर नहीं भी बोलते तभी वैसी फटके मार के निकल. पर ये करेक्ट बोल रहा है, आपको फॉलो करता है. जैसे आपने दबंग में चश्मे पीछे डाले थे, इसने भी ट्राई किया पर चश्मे की वजन की वजह से वो पीछे गिर जाता है. बहुत पतला है. अब ऐसे मेरी क्या गलती है सर, एक बात बताओ सर, आप पैंट में हाथ डाल के खुजली करोगे तो उसमें स्टेप बना देते हैं लोग. ठीक है, अभी हम लोग स्टेप करते तो लोग बोलते हैं खुजली कर रहे हैं. बड़ी दिक्कत होती है. कौन सा स्टेप किया है जिससे हो गए? एक दिन मैंने निर्वाण को, सोहल का बच्चा, उसको ये स्टेप करते हुए देखा, तो वहां से ये आइडिया है कि ये डिंका चिका डिंका चिका डिंका चिका. वाओ, समझ रहे हो? सही थे मतलब. मैं बिल्कुल सही था, मैं हमेशा सही रहता हूँ, आप ही सीरियस नहीं रहते हैं शो में. सलमान आपको पता है इंडिया की 5% लड़कियों को डॉक्टर या इंजीनियर हस्बैंड चाहिए, पर इंडिया की 95% लड़कियों को सलमान एज अ हस्बैंड चाहिए. आप कौन सी कैटेगरी में पढ़ती हैं? नहीं यार, तुम लड़कों की क्या दिक्कत है, उनके क्यों पीछे पड़ रहते हो शादी के? वो सिंगल है अभी, तो कम से कम सबका पत्ता खुला तो है. अगर शादी करेंगे फिर तो उम्मीदें ही निकल जाएंगी तुम्हारी एंड तक, है ना? कुछ बदलने वाला तो है नहीं उसके बाद भी. आदमी को कंसिस्टेंट रहना चाहिए. सही बात है सर. वी शुड नॉट चैनलाइज अवर लव, वी शुड स्प्रेड इट सर. स्प्रेड ऑलवेज यूनिवर्स सर. सर आपकी फिल्म आ रही है सर, प्रेम रतन धन पायो, और आप यहाँ आयो. कुछ फिल्म के बारे में बतायो सर. बताना क्या इस फिल्म के बारे में? जिन्होंने मुझे फर्स्ट लॉन्च किया था, मैंने प्यार किया, मैं एज ए हीरो, वही ये फिल्म बना रहे हैं. मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं के बाद ये फिल्म आएगी, विच इज कॉल्ड प्रेम रतन धन पायो. एंड आई थिंक कि ये है सूरज बड़जात्या की सबसे बेस्ट फिल्म. सिंपल जवाब है, क्योंकि हम सब मानते हैं लाइफ के अंदर के भाई बहनों का झगड़ा गंदा लगता है, अच्छा नहीं लगता, तो भाई बहनों को झगड़ा नहीं करना चाहिए. बस यही प्लॉट है, यही फिल्म है, और इसमें कोई मैसेज भी नहीं, ये सब जानते हैं. बट जिस हिसाब से डायलॉग्स हैं, स्क्रीन प्ले हैं, जैसे गाने हैं, कॉमेडी है, रोमांस है, इट्स जस्ट अ ब्यूटीफुल फिल्म. और फिल्म देखते देखते जब बाहर निकलोगे थिएटर से, तो गारंटी है कि आप अपने घर वालों को फ़ोन करोगे, दोस्तों को फ़ोन करोगे, तो ना छोड़ यार मिट्टी पाओ. सारे फिल्मों में प्रेम का किरदार निभाया है, तो ये फिल्म में क्या नया है एज अ कैरेक्टर प्रेम? करीबन 16-17 साल के बाद, आई थिंक 15-16 साल के बाद मैं काम कर रहा हूँ सूरज बड़जात्या के साथ. तो प्रेम, मैंने प्यार किया मैं था, प्रेम हम आपके हैं कौन मैं था, हम साथ साथ हैं मैं था, और अब प्रेम रतन धन पायो में है. ये जो प्रेम है बाकी के प्रेमों से बहुत अलग है, क्योंकि इस प्रेम के अंदर आपको, मैं स्ट्रेट आउट सूरज बड़जात्या को फॉलो करता हूँ, क्योंकि एक्चुअल प्रेम को. सलमान, सूरज बड़जात्या जी जो है वो हमेशा फैमिली फिल्म्स बनाते हैं, और आप भी अपने फैमिली के काफी करीब हो, तो क्या ये रीजन है? आप नहीं हो अपने फैमिली के? ऑफ कोर्स मैं हूँ. ऐसा कौन है जो कि अपने फैमिली से करीब नहीं है? जनरली लोगों के पास टाइम नहीं होता है फैमिलीज के साथ वक्त बिताने का. बात मैंने हमेशा, अच्छी बात है, मेरे पास भी टाइम नहीं होता. But I've always seen कि आप हमेशा फैमिली के साथ रहते हो. नहीं, जो भी फेस्टिवल होती है. हाँ, वो तो, हाँ, जो फेस्टिवल्स के अंदर साल के अंदर 15-20 दिन मिल जाते हैं ऐसे. जी. आपको शायद ज्यादा ही मिलते होंगे. तो इट्स नॉट
It's not how much physical time that you spend with the family. It's how much you love them, you know. They know that you're working. Everyone is working. Ab sabki families ho gayi hain, so they also spend time with their families. But then there's once a week that we all sit down and we all chill together. You know, because more than brothers and sisters, we are friends. So, abhi bachche bhi sabke ho gaye. Sir. Bachchon se aapko kuch yaad aaya. Baad mein. So they all, I mean, just like everyone's growing up, so we're all spending a lot of time together nowadays. Yeah. Salman, aapke papa Salim ji ne bahut sari hit films likhi hai. To kabhi uncle aapko bolte hai ki nahi ye script barabar nahi hai, ye film nahi karni chahiye. Salim ji. Acha. Jab jab main confused hua hu, to I go to him for advice. Abhi and sometimes when we go wrong, wo dikh jata hai ki ye galat ja rahe hain, to then we go to him aur bolte ki kahan galat ja rahe hain, then he gives us a solution to it. So no film of ours, jo hamari home production ki jo film hai, go without his approval. Salman, ye to duniya janti hai ki sab ladkiyan prem se prem karti hai, lekin actually prem hai kiska? Prem sirf mera hai. Welcome to Prem Ki Diwali. Thank you. And Prem Ratan Dhan Payo, aapki mere khayal se dusri movie hai sir ke saath aur bahut time baat kar rahe hain. Aapko kaisa lag raha hai? Acha hi lag raha hai. अभी तक मैडम चांद से उतरी नहीं है. अनिल कपूर की बेटी ने इतना बड़ा स्टंट किया. सोनम, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ. जी. सलमान किस तरह के सीन्स में ज्यादा कंफर्टेबल? ज्यादा तुम्हारा स्ट्रेस किस के ऊपर हमेशा क्यों होता है? अभी इतना किस किस बोल रहे, तो मुझे मेरे हिसाब से रोमांटिक सीन्स में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल ये ऑन स्क्रीन की बात कर रही. ऑन स्क्रीन भी. अच्छा, आपके हिसाब से प्रेम में ऐसा क्या है कि सब लड़कियां उन्हीं को पाना चाहती हैं? क्योंकि सलमान खान ये कैरेक्टर प्ले करता है, इसलिए. क्या बात है, तालियां. And he smells good. काश मैं भी प्रेम बन सकता. मुझे भी थोड़ा सा प्रेम बना दो ताकि मैं भी सब इंप्रेस कर पाऊं लड़कियों को सब. इनको ऐसा लग रहा है कि मेरा लक प्रेम इन पे रब ऑफ हो रहा है. मैं ऐसा हूं कि सर एनर्जी, मुझे थोड़ा सा एनर्जी तुम्हें बचा कुचा एनर्जी ना, वो भी मैंने हड़प लिया. पूरी सर, पूरी सर. एक मिनट, मुझे भी प्रेम बनना है. क्या बात है. और बस बस स्टेज खत्म हो जाएगा. और मुझे भी प्रेम बनना. Yes, अरे नेताजी, आप इलेक्शन छोड़ के आ गए. मुझे पता है ये सब लोग यहाँ प्रेम क्यों बनना चाहते. सोनम को इम्प्रेस करने के लिए, करेक्ट? तू भी. एग्जैक्टली. पर मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ सिर्फ एक ही प्रेम है और उसे कोई नहीं बदल सकता. सर ऐसा करो, 10% प्रेम मुझे बना दो बस, चल मेरा काम चल जाएगा. कसम से सर, मैं आपका डायलॉग बोल के सोनम मैम को इम्प्रेस कर लूंगा. करके दिखा दे, मान जाऊं. मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान न करना. तो ये बात किसे मैं भी ट्राई कर दूंगा. मेरे बारे में इतना मत सोचना, मैं दिल में आता हूं, समझ में नहीं. अब मेरी बारी सर, बात है, समझ में नहीं आ रहे, नहीं आ रहे समझ में. सर मेरी बारी सर. एक बार जो मैंने कंटेम्प्रेरी, सॉरी, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता. इसमें से एक भी रोमांटिक डायलॉग नहीं था. अरे हम क्या करें, वो डायलॉग ऐसे मारता सो भी लड़कियां इंप्रेस हो जाती हैं. एक नया डायलॉग आया. यस सर. कि हर बॉयफ्रेंड में प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो लड़की खुश नसीब है जिसका बॉयफ्रेंड होता है. करते आप तीनों बहुत ही अच्छे डांसर्स हैं, तो आप एक काम करो, डांस करके सोनम को इंप्रेस करने की कोशिश करो. हाउ अबाउट दैट.